राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का इंतजार ईयर एंड पर पूरा होगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक महीने के आखिरी सप्ताह में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश के साथ भारी हिमपात होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो सकता है। दिसंबर में सीजन में सर्दी के तेवर नरम ही रहे हैं, इस कारण इसका नुकसान रबी की फसल बोने वाले किसानों को भी उठाना पड़ सकता है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भले ही शाम और रात में सर्दी का असर थोड़ा तेज हो, लेकिन दिन में मौसम साफ रहने और धूप निकलने से तपन बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जानकारी के लिए संवाददाता डीपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। डीपी शर्मा, श्रीगंगानगर में क्या कुछ सर्दी का इस वक्त माहौल है? क्या कितने कड़ाके की सर्दी यहां पड़ रही है? मैं आपको बता दूं, गंगानगर जिले के अंदर पिछले दो सप्ताह से जो मौसम का उतार चढ़ाव था, तो उसके अंदर जो लोगों की संभावना होती थी कि इस बार सर्दी जो है ये नहीं आ पाएगी। जो अभी पिछले दो दिन से लगातार जो है रात का जो पारा 6 डिग्री से नीचे आ रहा है, और आज जो मौसम में एकदम से जो बदलाव हुआ है, सुबह से धुंध और घना जो कोहरा छाया है, तो ऐसे के अंदर अब लोगों को ये विश्वास होना शुरू है कि हाँ इस बार सर्दी आने की संभावना है। क्योंकि साथ में आपको ये बता दूं कि जो गर्मी की जो सर्दी के चलते जो कोहरा है, इस कोहरे से फसलों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सरसों की और गेहूं की जो फसलें हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में बता दूं कि इन दिनों जो गाजर और किन्नू की जो फसलें हैं उनके अंदर मिठास नहीं था, क्योंकि लो सर्दी कम थी, वो सर्दी अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके चलते जो ये मौसम के चलते किन्नू और गाजर के अंदर भी मिठास रहेगा, साथ ही साथ फसलों को भी इससे फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो गर्मी लगातार 15 दिन से जो चली, उससे फसलों को नुकसान हो रहा था, तो ऐसे के अंदर जो अब ये जो कोहरा छाया है और आगामी जो आने वाले दिनों के अंदर जो सर्दी और बढ़ने की जो संभावना है, तो इसके अंदर किसान जो वर्ग है उसे वो भी खुशहाल होगा। साथ ही साथ जो सर्दी है, सर्दी के चलते आम जो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया डीपी शर्मा जी आपका तमाम जानकारी के लिए।